सुल्तान मल्टीमीडिया 786 चैनल नाल जुड़िया सारिया संगतां नूं जय पीरां दी। अज दी वीडियो विच आपां गल करांगे कि जिन्हां दे कम तां बन जांदे आ पर थोड़े समय बाद कम फिर तो खराब हो जांदे आ, फिर तो उही हालात हो जांदे आ, उन्हां नूं आपां पक्के तौर ते किद्दां ठीक कर सकदे आ, इसे बारे गल करांगे। सो हाथ जोड़ के बेनती है इस वीडियो नू पूरा जरूर देखियो ते इस चैनल नू भी जरूर सबसक्राइब करियो। पीरां दी प्यारी साध संगत जी, कई लोग अजिहे आ जिहड़े पीरां नू तां मनदे आ, यकीन भी रखदे आ, सारे काम सही समय ते करदे आ, उन्हां दे काम भी बन जांदे आ, ठीक भी हो जांदे आ, पर थोड़े समय बाद उन्हां दे काम फिर तो बिगड़ जांदे आ, कोई उन्हां फिर कोई रास्ता नहीं दिसदा, फिर वह पहले समय विच आ जांदे आ। इदां उन्हां दे नाल क्यों हुंदा है, मैं तुहानू एक सच्ची गल दसन लगा बाबा गुरदेव चंद जी दे समय दी। बाबा गुरदेव चंद जी जदों उस डेरे दे विच शरीरक तौर ते मौजूद सी तो उन्हां कोल एक संगत दे बंदे आया करदे सी जिन्हां दे घर विच बहुत ज़्यादा परेशानियां सी। उन्हां दा कोई काम भी बनदा नहीं सी, जे बनदा सी तां जल्दी ही बिगड़ जांदा सी। ओ बाबा गुरदेव चंद जी कोल आंदे, बाबा जी उन्हां दे काम ठीक कर देंदे। तीन चार महीने लंघदे फिर तो उन्हां दे काम खराब हो जांदे, ओ फिर डेरे आंदे, फिर बाबा जी रहमत करदे। थोड़े समय बाद 6 महीने लंघदे फिर उस हालातों में आ जाते। वो इस गल तो परेशान सी कि असी मनते भी हाँ जिस फकीर दे कोल जाने आ वो एक कामल वली आ, सच्चा फकीर आ, उन्हां दी रहमत भी आ पा रहा, पर साढ़े नाल इदा हो क्यों रहा, साढ़े काम बन भी जाते आ फिर बिगड़ जाते, फिर बनते आ फिर बिगड़ जाते, इदा साढ़े नाल क्यों हो रहा। एक दिन वह वीरवार फिर डेरे आए, चौंकी भरी, अगले दिन शुक्रवार, सारी संगत तो आपो अपने घर चले गए पर वो नहीं गए, वो उत्थे बैठे रहे। संगत दे कुछ खास बंदे सियाने वो भी बाबा जी कोल बैठे गल्लां कर रहे आ, तो उन्हां बंदिया ने दसिया कि बाबा जी थोड़ी रहमत दे नाल साडे काम तो बन जाते आ पर थोड़े समय बाद फिर खराब हो जाते, अजिहा साडे नाल काते हो रहा। तो बाबा जी ने उन्हां नूं एक गल दसी कि क्यों बने हुए काम दोबारा बिगड़दे आ। उन्होंने कहा कि पीर तो कर सकता, पक्के तौर पर थोड़े काम कर सकता, पक्की बंदिश ला सकता कि काम ना बिगड़न, पर एक समस्या। वो कहन लगे जी दसो की समस्या आ। तो बाबा जी कहन लगे कि थोड़ा कोई गुरु नहीं आ जिदे सदके च पूरी उम्र ले थोड़े काम सही हो जान। पीर थोड़े काम कर दिंदा पर 6 महीने बाद वह फिर बिगड़ जाते, फिर खराब हो जाते। जेकर थोड़ा कोई गुरु होवेगा, कोई मुरशद होवेगा, फिर थोड़े काम एक बारी बन के दोबारा बिगड़नगे नहीं। उन्हां बंदिया ने यह गल पल्ले बन ली, उन्होंने बाबा गुरदेव चंद जी नूं ही अपना गुरु बनाया। तो मुड़ के आ दिन आ गए, उन्होंने कदी काम नहीं बिगड़े, घर दे विच कदे कोई तंगी परेशानी नहीं आई, तो अज घर विच 9 नीदा 12 सिद्धा आ, हर खुशी उन्हां दे घर विच आ। सो जेकर आपां इस गल ते गौर करिए तां गल बहुत हद तक सही भी आ। साडे नाल भी इसे तरह ही हुंदा, कम हो जांदा, थोड़े समय बाद फिर उस हालातां विच आपां आ जांदे आ। क्यों? क्योंकि साडे पिछे कोई कामल मुरशद, कामल गुरु नहीं आ, गुरु तो बिना गत नहीं। इसे करके सानू अपनी जिंदगी दे विच एक कामल मुरशद, एक कामल गुरु जरूर चाहिदा, जेड़ा धरती ते रह के भी ते धुर दरगाह दे विच भी साडी गवाही दे सके, साडे ते आउण वाले संकटां नू परेशानियां नू खत्म करे। उहदी इबादत दे सदका, साडे गुरु दी रहमत दे सदका साडे काम बन सकण। जिंदगी दे विच गुरु दा होना बहुत ज़्यादा जरूरी आ,
ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਲਈ, 84 ਦੇ ਗੇੜ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਕਾਮਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕਾਮਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਮਲ ਗੁਰੂ ਕਾਮਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਬੈਠਾ ਬਿਠਾਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਵਿਗੜਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਮਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ, ਪਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਾਮਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕਾਮਲ ਗੁਰੂ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਪਾਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਾਮਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕਾਮਲ ਗੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਓ, ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਨਗੇ।